जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। झांसी में 20 साल की युवती को भगाकर ले जाने और उससे रेप करने के दोषी पुष्पेंद्र सिंह यादव को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया, नहीं देने पर 6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। ये फैसला गुरुवार को पॉक्सो अधिनियम सहित रिपोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितेंद्र कुमार ने सुनाया है। खकौरा में खेत पर काम करने के दौरान एक 58 वर्षीय महिला को अज्ञात जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मौरानीपुर कोतवाली अंतर्गत आने वाले ग्राम खकौरा की रहने वाली महिला पति जालम उम्र 58 वर्ष गांव में ही खेत पर विगत दिवस काम करने के लिए गई हुई थी, तभी उसे वहां पर किसी अज्ञात जहरीले कीड़े ने काट लिया। आनंद फानन में परिजनों द्वारा अचेत अवस्था में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष ग्राम मगरौल थाना कुलपहाड़ जिला महोबा निवासी रामाधर पुत्र भैयादीन ने मौरानीपुर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वे अपनी बहन के घर ग्राम बुखारा में राखी बंधवाने के लिए आया हुआ था। 15 अगस्त के दिन ग्राम बुखारा निवासी सोनू राजवीर बिट्टू और गणेश ने बिना कारण गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 323-504 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े गए पानी के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिस कारण जालौन का जगमनपुर कंजौसा पंचनद मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राजस्थान में चंबल नदी पर बने कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी में आने वाली तीर्व बाढ़ से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जगमनपुर कंजौसा पंचनद तक जाने का मार्ग पानी आने के कारण बंद कर दिया गया है। महोबा फुसिया का इलाज झोलाछाप डॉक्टर से कराना 17 वर्षीय किशोर को महंगा पड़ गया। बिना चिकित्सकीय डिग्री के अस्पताल चला रहे कथित डॉक्टर के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद किशोर की हालत बिगड़ती चली गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पनवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह पूरा मामला थाना महोबकंड के घटेरा का बताया जा रहा है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी लगातार रौद्र रूप धारण कर रही है, लगातार खतरे के निशान की तरफ अग्रसर है। नदियों का पानी नालों के जरिए अब गांव की तरफ बढ़ने लगा है, जिससे कुछ गांव का रास्ता बंद होने की कगार पर है। वहीं नदी के किनारे बोई गई खरीफ की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। मुख्यालय के कुछ निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है।